अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेविंग विद रहीला। तो 12 रबीउल अव्वल की आमद आमद है और इसी सिलसिले में मैंने आपको आज जुब्बे की कटिंग बताऊंगी। अरबी लबास होगा और बहुत ही आसान इजी सा होगा। जैसे हम पहले कुर्ता सिलाई करते हैं वैसे ही स्टिचिंग सारी होगी, लेकिन थोड़ा सा एयरलाइन और उसकी लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी कुर्ते से। तो जी सबसे पहले आज की जो है वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने कपड़ा ले लिया है, उसकी फोल्डिंग कर ली है। और व्यूवर्स, ऐसे मैंने चौक से निशान लगा रही हूँ। तीरे की मैंने मेजरमेंट कर ली, 13 इंच का मैंने तीरा रखा है। कंधे की मैंने मेजरमेंट की है और 8 इंच का हमारा कंधा होगा। और वैसे ही मैंने चेस्ट पर जो है मार्किंग कर ली। और इसी हिसाब से हमने स्केल की मदद से थोड़ी सी एयरलाइन शेप जो है वो हमने दी है जुब्बे की। और सेंटर में फिर मैं मार्किंग करूँगी। इधर हमने साइड पॉकेट्स लगाएंगे। और अब मैं इसकी लेंथ की पेमाइश कर लेती हूँ। 25 इंच का हमारा जुब्बा तैयार होगा। और फिर मैं जो है वो मार्किंग कर रही हूँ। पहले हमारी कटिंग की थी, अब हमारी ये फिटिंग की है मार्किंग। और अब मैंने सीज़र की मदद से वैसे ही उसके ऊपर जो है वो कटिंग शुरू कर दी, जैसे जैसे मैंने मार्किंग की थी। ये जो जुब्बा है हमारा बेबी जुब्बा है, बेबी का होगा। बहुत ही छोटा सा हमारा बेबी है जिसका ये जुब्बा है। और इसको मैंने एयरलाइन रखा है। और अगर आपने सीधा रखना हो तो हमने साइडों पर फिर चलने में प्रॉब्लम होगी। और फिर उसके हम चाक रखेंगे। अगर साइडों से हम बंद करनी हुई, साइडों पर सिलाई लगानी हुई तो फिर एयरलाइन करेंगे। और अब हम पट्टी का निशान लगा लेते हैं। और पट्टी का निशान लगाया है हमने 9 इंच का। और इस तरीके से मैंने कट लगा दिया है सेंटर पट्टी, बटन टेक पट्टी का मैं निशान लगा रही हूँ। और अब मैंने बाजुओं की कटिंग करूँगी। कंधे पर मैंने मार्किंग कर ली है और वैसे ही मैंने मार्किंग बाजुओं की भी कट चुकी हूँ। और सीज़र की मदद से मैंने बाजुओं की शेप देकर और इस तरीके से स्लीव की जो है हमने कटिंग कर ली। और इस तरीके से हमारी कटिंग जो है स्लीव की कंप्लीट हो गई। और इसके सेंटर के अंदर जो है कंधे के वो हमने टुक लगा देना है। और ये हमारी स्लीव की और जुब्बे की कटिंग हो गई। अब मैं इसकी तीरे का वैसे ही निशान लगाऊंगी जितने मैंने तीरे का पहले मेजरमेंट की थी। अब हम उतना तीरे का कपड़ा ले लेंगे। और ये मैंने तीरे की जो है शेप तैयार कर ली। और इस तरीके से मैं तीरे का जो भाला होगा उसकी कटिंग करके और उसके अंदर टुक लगाकर और एक्स्ट्रा पीस को साइड पर कर दूंगी। आप देख सकते हैं तीरे की भी मैंने कटिंग कर ली और जुब्बे की भी। और ये हमारी आज की वीडियो जो है कंप्लीट हो गई। उम्मीद करूंगी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।